तो आज बनने लग गया है तैयार। आज हम भुगाओ वह दीपावली बहुत बहुत बधाई। हाँ ये तो ना डाब की लगा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। सो दिन की शुरुआत हो गई है हल्द्वानी शहर से और सुबह सुबह धूप भी आ गई है और आज है त्यार भुगाव और भैया दूध। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है लास्ट तक। तो एंजॉय के साथ, मौसम भी आज साफ हो गया कल। तो सुबह सुबह मौसम आज हो गया बिल्कुल साफ। कल तो हल्की सी धुंध थी, आज तो पहाड़ भी साफ दिख रहे हैं। देखिए ये देखिए, यही फायदा है पहाड़ के किनारे शहर का कि ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है क्योंकि पहाड़ यहाँ पे सारे नज़दीकी हैं, चारों ओर से पहाड़ हैं। तो राधा भी आ गई छत में। राधा क्या क्या होगी तैयारियाँ? झाड़ू हो गया, खाना बनने वाला लग गया है। खाना बनने मतलब लग गया है, खाना बना दिए हैं। मेरा काम है सफाई का, मैं पूछा ले जा रही हूँ। आज क्या बन रहा है खाने में? स्पेशल है कुछ? स्पेशली स्पेशल आज स्पेशल दिन हुआ, भाई दूज हुआ। तो सबसे भाई दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो जो भाई दूर है वो अपने बहन को जरूर फोन कीजिएगा। वो तो डेली। तो आज बनने लग गया है त्यार। आज भुगाओ है भुगाई त्यार, चूड़ पूजन में आ जाए। यही भैया दूध नहीं, भैया तो चूड़ हमारा आई न रहा है। घर से चूड़ नहीं आ रखे, जब घर से चूड़ आ जाएंगे फिर उसको पूछेंगे। ये बनने तब तक हम घर ही चले जाएंगे। हम घर ही चले जाएंगे। घर लिपन बल्ब आता है, पोछ लगन बल्ब है। अच्छा वह लिपन बल्ब है। दादा कह रही है लिपाई करनी अच्छी है क्योंकि तीन चार दिन में एक बार लिपाई होती है यहाँ। यार रोज पोछा लगाना होगा। चलो जी अब करते हैं हम नाश्ता, खाना खाते हैं ये। अरे रुद्रांश रुक जा, तू भी खाएगा बाबू? आ जा फिर। पूरी सब्जी खीर, थोड़ी देर में बुआ आने वाली है। अरे रे 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 रुक जा रुक जा रुक जा। खीर खाना आज बड़ी मुश्किल है। खीर खा रहा था ये। जैसे मैं बैग गले में लटकाता हूँ दुकान को रास्ता लगता हूँ, ये सीधे बाहर को रास्ता लगता है। देखो गाड़ी, बिना गाड़ी में सुबह बैठ के इसको चैन नहीं मिलता और रोने लगता है। देखना हाँ, आ जा। हाँ बिल्कुल हिलता भी नहीं है उसमें से, वो डरता भी नहीं है। तो घर घर अब दिन भर करेगा ऐसा ही घर घर। चांद लफ है वो। मम्मा बाय कर दे। मम्मा बाय। रुद्रांश बाय। टाटा टाटा टाटा। देखो दूध आजा आजा। चल चल अभी रहा चल चल। बाय। तो दोस्तों दुकान में आने के बाद मैंने सफाई भी कर ली है और अब जा रहे हैं दीदी के वहाँ। दीदी को लेके फिर जाएंगे हम अपने घर। तो वहीं चूड़ पूछ के थोड़ी देर में आऊंगा। अब
आधा घंटा एक घंटा लग ही जाएगा। देखो पूरी सफाई हो चुकी है दुकान की और ऑर्डर है शाम के ही। पहले चलते हैं दीदी के घर। ये होने लगी दीदी की पैकिंग मायके ससुराल से मायके की ओर। ये देखो मायके के लिए सामान पुतुल पतुल बदली ले और मैं लेने के लिए आया हूँ। चलो अब मायके की ओर चलते हैं दीदी के। चलो और लाल माँ तो आज नहीं आते जाने भैया। चलो तो हम पहुंच गए घर और दीदी पहुंच ये लोग पहुंच गए अपने नैनीहाल माकोट और दीदी पहुंच गई अपने मायके। यो पुतुर पतुर बात के ये हो रही की सब्जी बता क्या कह रहे। चलो जी है क्या हिटो कोई बात नहीं। हैप्पी दिवाली बाबू। चलो दादा दीपावली बहुत बधाई के बाद आज हो रहे हैं। बुआ 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 चू आज पे स्वराज पे खंड मीठ खट तो ला रहे छा आप मीठ निकावे आहा हैं ये तो ना डाब की लगा चेकर डूल लो नहीं ले तो मिठाई लगा फल फूल लगा ओरे तीन पकालारी पकोड़ मेन मिठाई है प्यार दिया। तो आप पूछते हैं चूड़ कोई ना खोल ले आ जाओ बाबू लाइन से बैठ जाओ। लाभ बाव ला हरिया ला चेतु शिव जीवी जी रहा जग रहा बच रहा इन्हें मार जाए दिया दूजा मोर जया पैंच जब फूल जया शावक जब तरार है जो शेर शावक जब भूखी है जो शेर जब तरार है जो और धरती बराबर रखो डूब जाया पैज जा फूल जया धरती बराबर चको आसमान और वारण बफो बस फेल कर दिया मेरा जो शेयर मार्केट हो शेयर मार्केट हो पहला को और खूब स्कूल पढ़िए हुशियार हुए माँ बाबू नाम कुछ करिए ला गुगा ला हरिया ला चैतो शीर्ष पंचमी जीरे जागरे बजरे हुशियार और माँ बाबू जड़ बच रो और क्या को नहीं जाए शेर जा तराण है जो छावल जो बुद्धि है जो धरती बराबर चगो है जे आसमान बराबर उच्च है जे हाँ और डूब जा मुर जे पैज जा फूल जे भाइयों जोड़ बज रो भाइयों जोड़ बज रो
मबाबो जड़ बजरो और टिकर प्रधान है खूब होशियार है हाँ को जे कितना बड़ा है कितना बड़ा 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 दी लेके आई है त्यार आहा पकौड़े बना के लेके हम और चीज भेजो हम और चीज भेजो ना पकौड़े बना दे वाह ये है त्यार पकौड़े खाते हैं पूरियां तो फिर खाएंगे बाद में चलो ले पकौड़ी ले जाओ पकौड़ी ले जाओ तो दोस्तों चूड़ पूछ दिए हैं आप चलते हैं दुकान में यही होता है हमारे वहाँ का त्योहार जिसमें धान भिगा के भिगोने के बाद उनको ओखल में कूड़ने के बाद उनके चूड़ बनाते हैं घर में यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ तो बाहर से पोहा लेके आए हम पर घर से आएंगे मम्मी लोगों ने कर रखे हैं तो उनको फिर घर जाके ही पूजेंगे तो अभी तो सिर्फ एक दूसरे को आशीर्वाद दिया गया मतलब अपने से छोटों को पूजा जाता है बड़ों को भी पूजा जाता है बनाते हैं केक केक है आज गोश्त केक तो वो केक कैसा होता है आपको दिखाते हैं वैसे भूत टाइप का केक होता है तो बच्चों का पसंद है तो इसी केक का ऑर्डर आया हुआ है तो उसी केक को बनाते हैं तो आपको भी दिखाते हैं।